15 अगस्त हमारे देश के लिए जितना बड़ा दिन होता है, इस बार उतना ही बड़ा दिन ये बॉलीवुड और हमारी साउथ इंडस्ट्री के लिए भी साबित होने जा रहा है। जी हाँ, इस बार एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करने वाली हैं। स्त्री, खेल खेल में, वेदा, चियान विक्रम की तंगलान और राम पोथीनैनी और संजय दत्त की मूवी, जी हाँ, डबल आई स्मार्ट आने वाली है। डबल आई स्मार्ट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और फैंस बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं अब मूवी को लेकर। इस फिल्म को फैंस ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, जबकि संजय दत्त का जो रोल है इस फिल्म में वो विलन के रोल में नजर आएंगे और फैंस जो हैं वो संजय दत्त को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिस तरीके से ट्रेलर में वो नज़र आए हैं, हर कोई उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहा है। ट्रेलर में बिंदास और धमाकेदार अंदाज में राम पोथीनैनी की एंट्री होती है, जिसके बाद वो कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आगे जाकर संजय दत्त और राम पोथीनैनी के बीच एपिक शोडाउन देखने को मिल रहा है। फिल्म में राम आई स्मार्ट शंकर का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं संजय दत्त बिग बुल के रोल में दिख रहे हैं। ट्रेलर में फिल्म की कहानी में राम के सिर के पीछे लगा अनोखा यूएसबी पोर्ट है, जो उनके किरदार को एक हाईटेक ट्विस्ट देता दिख रहा है। दूसरी ओर संजय दत्त का किरदार अमरता की तलाश में नजर आ रहे हैं, जिसका लक्ष्य ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन हासिल करना है। काव्या थापड़ लीड एक्ट्रेस के रोल में दिख रही हैं, जबकि कॉमेडियन अली भी कॉमेडी से फैंस का ध्यान खींचते दिख रहे हैं। जहां कई लोग को इस मूवी का ट्रेलर पसंद आ रहा है, तो कई लोग इस ट्रेलर से निराश भी होते हुए दिख रहे हैं। कई यूजर्स कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। जहां एक ओर यूजर्स इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर्स का कहना है कि पूरी की कभी भी अब वापसी नहीं होगी, वो इस सिनेमा के साथ खत्म हो जाएंगे। यूजर यही नहीं रुका, यूजर ने आगे कहा कि दुख की बात तो ये है कि वो इस मूवी को पैन इंडिया मूवी कहते हैं, बल्कि पुरानी मूवी को दोबारा से ऐसा लग रहा है कि शूट कर दिया गया है और इसका नाम डबल आई स्मार्ट दे दिया गया है। ये मूवी ऐसे टाइम पर रिलीज हो रही है जब राम और पुरी दोनों ही अपनी पुरानी फिल्मों की फीकी प्रतिक्रियाओं से उबर रहे हैं, यानी कि लाइगर और स्कंद दोनों की ही बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती हो रही है और बुराइयां हो रही हैं, और ऐसे टाइम पर एक और मूवी ये लेकर आ रहे हैं। ऐसे में 15 अगस्त को इस मूवी को कितना प्यार मिलने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि ये मूवी 5 भाषाओं में रिलीज़ होगी। तो फैंस तो दोनों तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछों को ये ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही निराश हैं। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।